बाद में बॉल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में प्रशांत। पंजाब और हैदराबाद का मैच जगदीश सुचित, या वहाँ की भाषा में बोलूँ तो जगदीशा सुचित, जिन्होंने कैच पकड़ा दीपक हुड्डा का, और जो लंबे गेंदबाज हैं वेस्ट इंडीज़ के, जेसन होल्डर, वो गेंदबाजी कर रहे थे। शानदार शॉट मारा, उससे शानदार कैच था, पर सबने वो कैच देखा। पर आप जानते हैं कि जगदीशा सुचित कौन है? पहले भी IPL खेल चुके हैं ये, और कर्नाटका प्रीमियर लीग में इन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस की थी आज से कई साल पहले। दरअसल जो जगदीशा सुचित हैं, ये खलील अहमद की जगह फील्डिंग करने आए थे, और ये कर्नाटक प्रीमियर लीग में महज 15 गेंदों पर अर्धशतक लगा चुके हैं। उस वक्त मुंबई इंडियंस में खेलते थे। अब मैं इनकी आपको IPL की टीमें बताता हूँ। मुंबई इंडियंस में खेले ये आपको खेले हैं, आपकी जो टीम है सनराइज़र्स हैदराबाद में अभी हैं, उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम में थे, और ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम में 2019 में बीच में जुड़े थे जब हर्षल पटेल जो थे वो चोटिल हो गए थे, और हर्षल पटेल की जगह जगदीशा सुचित को लाया गया था। और हमने देखा है कि कई बार छोटे खिलाड़ी की जगह जिस खिलाड़ी को लाया जाता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, पंजाब में के खिलाफ डेब्यू किया था, और अब ये आज खलील अहमद की जगह फील्डिंग करने आए, और उस दौरान उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। कर्नाटका से खेलते हैं, मैसूर में पैदा हुए हैं 1994 को, और धमाकेदार प्लेयर हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, और बल्ले से भी कमाल दिखाते हैं। कर्नाटक प्रीमियर लीग में जो KPL होती है वहाँ उन्होंने 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था जब वो मुंबई इंडियंस से खेलते थे। फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में है, और दिल्ली कैपिटल्स का भी हिस्सा रह चुके हैं ये, और तमाम जो IPL टीम्स हैं इनकी नज़रें होती हैं, और अगले साल ऑक्शन में भी इनके नज़रें होंगी। लेकिन जो आज उन्होंने कैच पकड़ा, गौतम गंभीर ने खुद तारीफ करी उनके कैच की और कहा कि ऐसे कैचेस पकड़ने होंगे टीमों को जीतना है, तो बेहद शानदार परफॉर्मेंस जगदीशा सुचित का। भले ही टीम में नहीं है, प्लेइंग 11 में नहीं है, लेकिन अपना काम बखूबी निभाया और टीम को एक अच्छा परफॉर्मेंस करके बताया और दिखा दिया कि वो खेलने लायक है, क्योंकि वैसे भी हैदराबाद टीम की हालत अभी कुछ अच्छी नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, और अगर माइक कैसे लगा रखा है और वो भी अच्छा लग रहा है तो भी उसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।